मेघा आदिवासियों के मौत के मामले में कांग्रेस ने आज दिनभर विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जहां सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायिक जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मेघा आदिवासियों की मौत के मामले में विपक्षी सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करते हुए तख्ती दिखाते हुए धरने पर बैठे। निलंबन के बाद भी कांग्रेस विधायक काफी देर तक गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे। पोस्टर लेकर सदन से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मेघा आदिवासियों की मौत के मामले में आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी है, इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। हमने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। मंत्रियों के क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या हो रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने एक टीम गठित की है, राजनीतिक दबाव के चलते इस घटनाक्रम को दबाया गया। इस घटना के पीछे बड़ा षड्यंत्र है, इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4-6 के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनंद फानंद में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया जा रहा गया और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है, जबकि वहां गैस सिलेंडर भी था बता रहे हैं, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर मिला हुआ था और उसके जो खाली भी था लेकिन बोलते हैं कि उसे फटने से उसके जलने से आग लगी, तो पूरी झोपड़ी जल जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं और केवल उस लाश के ऊपर में केवल 3 बल्ली जला हुआ था तो, और उसके खून के छींटे भी थे और उसे धारदार हथियार के निशान भी थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इसको दबाया गया है, तो पूरा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में, शासन इसे बचाना चाहती है। एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के गृह जिला है और वहाँ इस प्रकार से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की इस प्रकार से हत्या को दबाने की कोशिश की जा रही है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। आखिर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी और अब भी जो स्थानीय पुलिस है वो षड्यंत्र करने में लगी है। पहले भी षड्यंत्र करके इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और अब भी षड्यंत्र करने में लगी हुई है, तो इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 4-6-4 के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ही है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही, वही हम जानना चाहते हैं कि किसके षड्यंत्र से, किसका षड्यंत्र है और कौन दबाना चाहता है, किसको बचाने के लिए सब कोशिश की गई। और गिरफ्तारी तो कल हुई, जब हम लोग स्थगन लगाए तब जाके गिरफ्तारी हुई, इसके पहले नहीं हुआ। अंदेशा सरकार के ऊपर, सरकार में बैठे हुए लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।